स्वागत आप सभी का। शाम के 7 बजने वाले है वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्रदेश की खबरों से लगाकर के देश की राजनीतिक हर हलचल हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है मोदी सरकार के गठन से जुड़ी, ये सबसे बड़ी खबर। तो नीतीश कुमार ने 3 मंत्री पद मांग लिए हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार को रेल मंत्रालय चाहिए। शिंदे गुट भी 2 मंत्री पद मांग रहा है। तो देखिए डिमांड की बात लगातार पहले से चर्चाएं थी और इसी बीच सूत्रों के हवाले से जो सबसे बड़ी खबर निकल करके आ रही है, नीतीश कुमार ने 3 मंत्री पद मांगे हैं। नीतीश कुमार को रेल मंत्रालय चाहिए और सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि शिंदे गुट भी मंत्री पद की मांग कर रहा है। नीतीश कुमार बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें जीत करके उनकी पार्टी आई है, लिहाजा उनकी मांग भी बड़ी। तो चूंकि अब बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है और ऐसे में जेडीयू और टीडीपी का साथ महत्वपूर्ण हो जाता है सरकार बनाने के लिए, ऐसे में अब मांगे उठने लग गई हैं। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से इस वक्त की आपको बता रहा है, जहां पर नीतीश कुमार को रेल मंत्रालय चाहिए तो शिंदे गुट भी 2 मंत्री पद की मांग कर रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर दिल्ली में लगातार सियासी हलचलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी ने सरकार बनाने की 3 नेताओं को जिम्मेदारी दी है, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी दी गई है सरकार बनाने की। एनडीए के सभी दलों से बात करने की जिम्मेदारी इन 3 नेताओं को दी गई है। सबसे बड़ी खबर, सबसे अपडेट इस वक्त की। तो दिल्ली में सियासी हलचल तेज है, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहा है। बीजेपी ने सरकार बनाने की 3 नेताओं को जिम्मेदारी दे दी है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हैं, जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है ताकि एनडीए की सरकार बन सके और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ले सके। सभी दलों से बात करने की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बताते चले कि कई निर्दलीय एमपी ने भी ये कहा है कि हम एनडीए के साथ हैं और इसके साथ साथ कई ऐसे छोटे छोटे दल जो एनडीए को अपना साथ देने के लिए तैयार हैं। और इसी बीच मांगे भी लगातार एनडीए के खेमे से सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये सबसे बड़ी जानकारी है कि नीतीश कुमार ने 3 मंत्री पदों की मांग की है। सरकार में रहते हुए उन्होंने कहा कि 3 मंत्री पद दिए जाने चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार का ये बयान जरूर हमने आपको सुनवाया था, जो आया था, कहा था कि बिना देरी के सरकार बननी चाहिए। ये बड़ी जानकारी दिल्ली में पल पल की जो तस्वीर है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल एक तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर जो आ रही है वो है एनडीए के खेमे की बैठक के दौरान की, जहां पर तमाम जो एनडीए के नेता हैं, 21 नेता एनडीए के, जिन्होंने अपना प्रस्ताव भी एक तैयार किया और प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करके नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया है। सर्वसम्मति से उन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया। बिल्कुल, तो कई घटक दल जो अपना साथ देते हुए एनडीए को और इसी के साथ एक बार फिर से सरकार बनती हुई नजर आ रही है। जीत के हैट्रिक के बाद एक बार फिर से प्रधानमंत्री का शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन उससे पहले इंडिया गठबंधन की ओर से क्या खेला हो सकता है, क्योंकि लगातार इंडिया गठबंधन की ओर से बैठक लगातार जारी है और सरकार बनाने की भी कोशिश की जा रही है, जोड़ तोड़ की राजनीति की जा रही है। जोड़ तोड़ की राजनीति प्रियंका इसलिए भी है क्योंकि जो आंकड़ा है 543 सीटों वाली लोकसभा में वो मेजोरिटी नंबर है 272, बीजेपी के पास सिर्फ 240 इस बार, यानी कि हम कहें कि एनडीए के पास 292 सीटें हैं जो बहुमत से 20 ज्यादा है। बिल्कुल, तो लोकसभा चुनाव के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। दिल्ली में एनडीए की आज बड़ी बैठक हुई, पीएम आवास पर हुई। इस बैठक में एनडीए में शामिल पार्टियां मौजूद रही और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, आजसू प्रमुख सुदेश महतो, आरएलडी के जयंत चौधरी, जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण महाराष्ट्र में, और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बैठक के दौरान 21 नेताओं ने हस्ताक्षर किए। सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया है और एक प्रस्ताव पारित किया गया 21 नेताओं के, उस पर हस्ताक्षर है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के, एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान भी इस दौरान मौजूद रहे। अपना दल सोनेलाल की अगर हम बात करें तो उसकी नेता अनुप्रिया पटेल, हम के जीतन राम मांझी भी एक सीट जीत करके आए, इस बार एनडीए का हिस्सा है और एनडीए की इस बैठक में मोदी को सर्वसम्मति के साथ नेता चुना गया है। तो एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति के साथ नेता चुना गया है, यानी कि मोदी 3.0 देखेंगे अगले 5 साल।
एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार होगी और जैसा कि दावा किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कि इस बार हम देश के विकास के लिए फिर से काम करेंगे, तो एनडीए में शामिल दलों का समर्थन पत्र आज राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। वहीं सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि नीतीश ने सरकार में बहुत बड़ा पद मांग लिया है, 3 मंत्री पद की मांग की गई है नीतीश कुमार की ओर से। हालांकि टीडीपी की ओर से अभी कोई मांग नहीं रखा गया है, चंद्रबाबू नायडू ने अपनी मांगों को सामने नहीं रखा है, लेकिन इस बीच नीतीश कुमार ने 3 बड़े मंत्री पद मांग लिए। तो देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी जो है जेडीयू, उससे ज्यादा सीटें हैं टीडीपी के पास, यानी कि तेलुगु देशम पार्टी, और जिसके प्रमुख है चंद्रबाबू नायडू, उनके पास में कुल 16 सांसद हैं। तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार है, जेडीयू है, इनके पास 12 सांसद हैं, और इसी आधार पर नीतीश कुमार ने 3 मंत्री पदों की मांग की है। यानी कि नायडू नीतीश कुमार को मिलाएं, अगर हम टीडीपी और जेडीयू को मिलाएं तो कुल मिलाकर के सांसदों की संख्या हो जाती है 28। 28 का नंबर जो है इन दोनों पार्टियों के पास है। भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें इस बार जीत पाई है, जो बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई, और यही वजह है कि अब एनडीए की जब सरकार होगी तो बीजेपी को अपने सहयोगी दलों पर निर्भर होना पड़ेगा। ये चर्चाएं लगातार नतीजों के बाद से ही हो रही थी, और अभी जिस तरह की जानकारी आ रही है, शिंदे गुट की तरफ से भी पद मांगा गया है, और साथ ही साथ नीतीश कुमार ने तो 3 मंत्री पद मांगे, रेल मंत्रालय भी उन्होंने मांग किया। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है। तो बड़े मंत्रालय मांगे जा रहे हैं, डिमांड्स रखे जा रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भाजपा को 240 सीटें ही मिली है, ये बहुमत के आंकड़े से कम है, और ऐसे में जरूरी है बीजेपी के लिए गठबंधन करना सरकार बनाने के लिए। चंद्रबाबू की टीडीपी 16 सीटों के साथ दूसरी, और नीतीश की जेडीयू 12 सीटों के साथ एनडीए में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। दोनों ही पार्टियां इस वक्त भाजपा के लिए जरूरी हैं, इनके बिना भाजपा का सरकार बनाना बेहद मुश्किल है, और ऐसे में एनडीए की भी सरकार बनी रहे प्रियंका, और इसके लिए कोशिश होगी बीजेपी की कि चंद्रबाबू नायडू भी उनके साथ में रहे और नीतीश कुमार भी साथ में रहे। तो राजनीति में किसी भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, और इसीलिए हर समीकरण को